आठ साल हो गया रिया हम नौकरी में ने और वो उड़ा है रिटायर होगा अन में यू नौकरी देगा चार साल में पता खट्टर मरेगा जीवेगा हम मरेंगे या जीवांगे एक सांस जा है तड़ान है के पता ऊपर आएगा खट्टरी तोला जो अच्छी हो गया अगबा यू इतने तक जिए जाएगा अपनी कुर्सी नमस्कार ग्राउंड मीडिया की टीम पहुंची आज सापला के दीन बंधु छोटूराम पार्क में जहां पर एक अग्निपथ योजना के विरोध में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था आओ आज हम इन तब से पूछते हैं किस प्रकार से कार्यक्रम रहा पंचायत का उसके बारे में बातचीत करते हैं

जनियत की कहण लागे शुरू में एक दौरा जाइएगा फिर दूसरा दौरा फिर तीसरा दौरा फिर चौथा तो दौरा मतलब जब जो जनीत जोड़े है अब तो मतबल हमारी शुरुआत है ये काम जोड़ने की अब हम हर गांव में कमेटियां भी बनाएंगे हर गांव में हर घर के जाएंगे भी उनको समझाएंगे और उनको आंदोलन में जोड़ेंगे रही बात बेटे दूसरी जैसे ये चार साल की योजना इन मोदी जी ने बना दी हमने तो शर्म आती है इसका नाम लेते भी। इसका नाम लेते शर्म आती है क्यों तू चार साल का अपना इसने कर ना रात ने तू चार साल पांच साल इलेक्शन छोड़ दे मन जाओगे हम अपने बच्चों को चार साल खातर भेज देंगे चाहे मारे मरे का आइयो और चाहे जिंदा आइयो यू तो जिंदा तो इनका घर रह जाएगा यू छोड़ो चार साल के बाद यू तो दिन का घर मतलब लेकिन वहाँ हम चार साल में अपने बच्चों को बेच दे जब ये दस दस साल और दस दस बीस बीस तीस तीस चालीस चालीस पचास पचास साल ये इलेक्शन लड़ सके हमारे बच्चों ने क्या कसूर किया ये सत्रह अठारह साल नौकरी भी नहीं कर सकते एक सेना के पूर्व जनरल है तो बीके सिंह है उनका एक बयान आया था वो बयान हाँ कि सेना में कोई सेवा के लिए आओ जिसने भी सेवा करनी है तो ये कानून अच्छा है तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे तो? बारे में कहना चाहूंगा तीन लाख फौजिया जमीन बेच का यहाँ रेवाड़ी में बेची है उन्हें और अपना पद ले गया अपना पद ले गया उन तीन लाख सैनिकों की तो जमीन बेच गया मोदी का घर में और वो अपना पद ले गया तो उसके बारे में मैं कहना चाहूं तुम वह पेंशन भी ले रहे है और यह भी ले रहा होगा छोड़ दे तुम तनख्वा तो को छोड़ दे तुम अपनी पेंशन को कर देश भक्ति की सेवा तू देशभगत है देशभगति में तरह बोली ना है तू छोड़ दे उस पर्शन को उस मतलब इस पद को छोड़ गए और देश की सेवा कर देश भगत और हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर है हाँ। उनका भी एक बयान आया था जो अग्निपथ से रिटायर होके आएंगे उनको हरियाणा में आते नौकरी दी जाएगी तो बेटे आठ साल हो गया हरियाणा में नौकरी मैंने और वो उड़तें रिटायर होगा में यू नौकरी देगा चार साल में पता खट्टर मरेगा जीवगा हम मरेंगे या जीवांगे एक सांस जा है, उपरान्त तड़ान जा है के पता ऊपर आएगा खट्टर इतना तो ना हो गया अगवा यू इतने दंते जिए जागा शायद इसने अपनी कुर्सी ये बतानी भारे हो जाएगी किसकी नौकरी दे हुआ यो सरकार का ये भी कहना था वो अब बढ़िया तनख्वाह भी दी जाएगी और जब रिटायर नहीं पता है तो उनको ग्यारह लाख रुपए दिए जाएंगे लगभग ग्यारह लाख रुपए नहीं देंगे बेटा ठीक रूपये तनख्वा भी इक्कीस हजार मिलेंगे नहीं तो क्यों ये अपनी क्यों नहीं कटवा दे अपनी कटवा कर लो ननख्वा यह आप पूरी की पूरी क्यों ले है पूरी की पूरी पलिसन क्यों ले उन फौजिया तो 30,000 तीस रुपया मत 21 में लगी नो काटेंगे क्या होगा 21,000 कट के मिलेंगे मिलेंगे ना हाँ। तो फिर 21,000 में वो अपना मान देगा अग बाबू ने देगा अग बा अपना पेट पालेगा क्या करेगा बताइए बेटे और साथ में तीनों जो अपनी सेना है उनके जनरल लाइव आकर ने कॉन्फ्रेंस करके नुकाया था जो देश के हित में है न देश में इन कानूनों की जरूरत थी तो इसलिए कानून लागू करे हैं और ये में उनको उनको क्या कहोगे सुन बेटे उन ने पहले क्यों हुए क्यों, क्यों कर इस बात बाद सरकार नहीं, 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 क्यों क्यों लाए कांग्रेस ने नहीं लाई कांग्रेस भी तो इससे पहले मरेगी मुरार देसाई ने नहीं लाई भाई इसने यू था अपना मनमोहन ने नहीं लगाए मनमोहन घट्टिया लगाए और फिर उसके मनमोहन से पहले ही रहे। और युवा आया था भाजपा अटल बिहारी अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं लगाए इनने कैसे लगाए भाई वो जब फौज नहीं थी अगर उसमें जर्मन नहीं थे अगर उसमें ये कानून बनाने नहीं थे ये सब बकवास से बेटे ये देश बेचने की तैयारी है इस देश ने बेचने के ऊपर पूरा पूरा तोड़ा है और यू न इन तो जोड़ा ठा गया दूसरे देश में जा बढ़ेगा इस देश की जनता का हल बुरा हल करना है जो कि अंग्रेजों के बारे में इस जनता का होया था वही काम इसने करना है आपका क्या कहना था जो अग्निपथ कानून लेके का आई इसे नाम भर्ती के लिए उसके बारे में आपका क्या कहना भाई इसने तो सत्यानाश करना है देश का जय जवान जय किसान आपका क्या कहना था भाई मेरा तो न्यू कहना है अगर भाई अग्निपथ न छोड़ दो और भाई अपना जमींदारा कर लो वो बढ़िया है अग्निपथ से अच्छा है अगर भाई कोई सा ढंग भी नहीं छोड़ रखा ही नहीं मोदी तो नाश करने में कोई कच्चे नहीं छोड़ छोड़ेगी क्या भाई करोना से इनके ये रंडा से और भाई और भी रांडा करेंगा ये काम ही न कर नहीं देना ना नौकरी ये बात साल ही मोदी रह गया कोई भर्ती करी क्यों नहीं भाई ये खट्टर ने क्यों ना कर रही हरियाणा में ये पुलिस भी ख़त्म कर दी ये भाई फौज भी खत्म कर रहे हैं मास्टर भी ख़त्म कर दिया और भाई ये नहर महकमा भी सड़क महकमा भी सब खत्म कर दिया इनने ये भी इनका पता के रहा रा? रहा ये तो मारा था भाई नापसंद ना नापसंद से यार अग्निपंथ योजना हम तो न्यू कहा भाई अपना जमीदार पंथ योजना कर लो अपना भाई काम कर लियो इसमें जाने की जरूरत तक ये आखिर में मोदी सरकार क्या संदेश देना चाहोगे आप हम न्यू संदेश अपील करो मोदी सरकार से इस कानून मोदी सरकार से भाई कानून तो वापिस ले ले और लेकिन ने पहल की डाल नौकरी ला ले भाई त्रीसंभ लाई से और ना तो भाई देश ने क्यों बर्बाद कर ला रहे थे नाश कर था ना सारा देश का भाई तेरा गुण गाऊंगा गा। इन न सारा संविधान कर लो उल्टा भाई आज जो पंचायत करी गई तो सापला में इसके पर हूँ वीडियो आपने वीडियो आपने देख लिया भाई हमने अग्निपथ योजना की हर जगह की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड मीडिया के लिए सापला से मैं इंतजार राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें